हेलो गाइस, अभी हम गोवा के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और हम बैठे हैं पोलो के बस में, जो कि नॉन एसी बस है। इसमें दोनों टाइप के सीट हैं, सीटर भी है और स्लीपिंग भी है। और सुमन, तो बताओ ये बस के बारे में कुछ बताओगे? ये बस आपका सीटर और स्लीपर दोनों अरेंजमेंट के साथ आता है और ये बस लगभग 15 से 16 घंटा में आपको गोवा पहुंचा देगी, ठीक है, मुंबई से। और ये हम फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा जर्क फील हो रहा है, इवन फ्रंट सीट में भी। देख रहे हैं कि हम थोड़ा बैठे कम है, डांस कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और हमने ये बस बुक किया है लास्ट मोमेंट पे, हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा रश रहेगा क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है अभी, तो उसी में हमें स्लीपर वगैरह तो कुछ मिला नहीं, तो हम सीटर ही लिए हैं। और उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी इधर रहेगा, बट वो चार्जिंग पोर्ट भी मिला है, तो इवन आपका पुश बैक सीट भी है, रिक्लाइन भी होता है, सो अच्छा है, ठीक है, मतलब लास्ट मोमेंट में मिला है, बट इट इज़ गुड। बस बीच में टॉयलेट के लिए भी रोकता है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बस ने रोका है और ऐसे टॉयलेट करने के लिए शौचालय है, तो वहाँ ऐसे बीच में बस आपका रोकते है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनली बस रुका हुआ है खाना खाने के लिए आफ्टर पुणे क्रॉस करके, तो हमें तो टोटल टाइम दिया गया है 20 मिनट का, तो हम अपना डिनर एंजॉय करने वाले हैं। अभी बस ने जस्ट एक घंटा मापसा से पहले बस ने रोका हुआ है चाय के लिए मॉर्निंग में, तो मेनली बस आपको पूरे ओवरऑल मुंबई टू गोवा के सफ़र में तीन बार रोकेगी। एक बार तो आपको जस्ट मुंबई से निकलते एक घंटे के अंदर में रोकेगा आपको चाय पीने के लिए, उसके बाद आपको डिनर में 11 बजे के आसपास आपको डिनर के लिए रोकेगा, उसके बाद मॉर्निंग टाइम में जस्ट गोवा से पहुंचने से पहले एक विद इन आप बोल सकते हैं एक घंटा पहले आपको एक बार बस रोकेगा कि आप थोड़ा चाय पी सकें। और इस समय हमारा टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट हम गोवा में पहुंचने वाले हैं, तो हमारा ओवरऑल बस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इवन ये सीटिंग अरेंजमेंट में सोने में प्रॉब्लम तो हुआ, पर बट नींद अच्छी आई तो सो गया। थोड़ा सा सीट में आपको सोने में प्रॉब्लम तो होगा, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगा, आपको बार बार इधर अपना पोजिशन चेंज करते रहना होगा। आप देख सकते हो कितना सुंदर सुबह है, थोड़ी ठंडी है, ठंडी ठंडी मौसम बहुत अच्छा है, रात को भी उतनी ज़्यादा ठंडी थी नहीं, तो ओवरऑल ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बस में। तो हम बस से उतर चुके हैं, हम मापसा से जस्ट 15 मिनट पहले उतर गए हैं। ये पेरनिम करके एरिया है, यहाँ भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है, अगर यहाँ पे उतरना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मालपेम पेरनिम में उतरना है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। यहाँ से जो नॉर्थ गोवा के लिए सारी जगह जहाँ पे आकर नॉर्थ गोवा में आपको कहीं भी जाना है तो ये पास पड़ेगा, आपको विद इन आधे घंटे के अंदर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको एक तो पायलट जो कि बाइक होता है, अगर सिंगल है तो पायलट आप ले सकते हैं, आपको विद इन 300-350 के अंदर में नॉर्थ गोवा में कहीं भी छोड़ देगा। और यहाँ पे काली पीली टैक्सी टाइप के भी रहते हैं, वो कम से कम 700-800 रुपये लेते हैं नॉर्थ गोवा में कहीं भी छोड़ने के लिए। तो अभी हम यहाँ से मोर्जिम के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कैब ले लिया है मोर्जिम के लिए पेरनिम से, यहाँ कल हमें छोड़ेंगे मोर्जिम। अंकल कितना ले रहे हैं?
कितना लेंगे चार्ज, कितना करेंगे पैसे? पैसे 600। तो 600 में अंकल हमें मोरजिम छोड़े, जनरली 700 होता है यहाँ से, और अंकल हमें 600 में छोड़ रहे हैं। तो थैंक यू अंकल, चलिए फिर चलते हैं मोरजिम।